हेलो वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बीस की इस खास वीडियो में। जी हां, सोने और चांदी को लेकर यहां पर ब्रेकिंग न्यूज की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दोनों कीमती धातुओं में भारी उठापटक जारी है और ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि दिवाली तक सोने और चांदी का भाव क्या होगा। क्या सोने की कीमतों में गिरावट आएगी या सोना 80,000 के पार जाएगा। जी हां, सोने और चांदी को लेकर यहाँ पर बाजार विशेषज्ञों ने बड़ी खबर दे दी है और ऐसे में जानेंगे कि दिवाली तक सोने का भाव क्या होगा। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बीस को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को तुरंत ही दबा दे, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए, तो यहाँ पर बड़ी खबर है कि सोने की कीमतों में आने वाली है भारी बदलाव। जानिए दिवाली तक क्या होगा 24 कैरेट सोने का भाव। जी हाँ, जानलेवा बीमारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसका असर अब सरापा बाजार पर सीधी तौर पर दिख रहा है। लगातार पिछले कई महीनों से दोनों कीमती धातुओं में भारी उठापटक देखी जा रही है। सोने और चांदी की सबसे ज्यादा खरीदारी दिवाली में ही होती है। ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल है कि दिवाली तक सोने का भाव क्या होगा। लेकिन इससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमतों में आखिर क्यों इतनी बड़ी उठापटक देखी जा रही है, इसका कारण क्या है। तो ऐसे में देश के दिग्गज कारोबारियों का कहना है कि पूरे विश्व में फैली जानलेवा बीमारी के चलते गिरती अर्थव्यवस्था का जबरदस्त असर सोने के बाजार पर दिख रहा है। वहीं से जानलेवा बीमारी के साथ में कई देशों के बीच में तनाव की वजह से भू राजनीतिक तनाव देखने को मिला, जिसकी वजह से शेयर बाजार में गिरावट भी देखी गई। इसीलिए निवेशकों ने सोने और चांदी को अपनी पहली पसंद बना लिया, जिसकी वजह से दोनों कीमती धातु में भारी उठा पटक देखने को मिले। वही कीमतों की बात करें तो हाल ही में सोने का भाव 49,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। ऐसे में जल्द ही सोने का भाव 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकता है। वही कमोडिटी बाजार के कारोबारियों का अनुमान है कि दिवाली तक सोने का भाव 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है, क्योंकि जानलेवा बीमारी और भू राजनीतिक तनाव ने सोने को निवेशकों की पहली पसंद बना दिया। इसी के साथ में शेयर बाजार में भी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में अनुमान है कि सोने का भाव जल्द ही 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक हो सकता है। हालांकि ऐसे में जानकारों का यह भी कहना है कि डिमांड कम होने से सोने की कीमतों में गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि लोग सोने को कम खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से डिमांड में गिरावट आएगी और सोने की कीमतों में भी गिरावट देखी जाएगी। लेकिन उनका यह भी कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में ज्यादा भारी गिरावट नहीं देखी जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ में अगर आप भी चाहते हो कि शादी ब्याह के लिए सरकार गरीब लोगों को सोने और चांदी की खरीदारी के लिए कोई बड़ी योजना बनाए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ में सोने और चांदी की खबरों से रोजाना जुड़े रहने के लिए गोल्डन बीस से जुड़ा रहना जरूरी है।